गाइस यार आज हम फिर से खेलेंगे एक नई गेम जिसका नाम है गेमिंग कैफे सिमुलेटर। इस गेम में गाइस जहाँ पे हम लोग रहते हैं ना, हमारे एरिया के अंदर गेमिंग कैफे ना एक भी नहीं है, तो वहाँ पे गाइस इसी बात का फायदा उठाकर ना हम लोग अपना एक नया गेमिंग कैफे खोलेंगे, ताकि गाइस वहाँ के बंदे हमारे गेमिंग कैफे पे आके ना गेमें खेलें और बदले में यार उनसे ना हम लोग पैसा कमा सकें। तो गाइस बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा गेम के अंदर। ऑलराइट गाइस हम आ चुके हैं गेम के अंदर, और यहाँ पे गाइस यार देखो ये लोग ना हमारा गेम के अंदर आती गेम में वेलकम कर रहे हैं, वेलकम टू गेमिंग कैफे सिमुलेटर। तो करते हैं कंटिन्यू और देखते हैं गाइस हमें क्या करना है। रुको, ये लोग कह रहे हैं कि गेम स्टार्ट करने से पहले जल्दी से अपने कैफे का नाम रखो, तो नाम रखते हैं गाइस काजुटो गेमिंग और करते हैं कंटिन्यू। पर हमारा कैफे है कहाँ पे? रुको, ये गाइस वो टाउन है जहाँ पे हमारा कहीं पे गेमिंग कैफे है। तो यार जो ये टाउन है गाइस काफ़ी हाईटेक लग रहा है। और रुको गाइस, ये हमारा गेमिंग कैफे का इतना बड़ा भाई, इस गेम के अंदर स्टार्टिंग में हमें इन लोगों ने देखो कितनी बड़ी शॉप दी है। वैसे यार बाकी सिमुलेटर गेमों के अंदर ना स्टार्टिंग में कबाड़ा सी छोटी सी शॉप मिलती है, बट इस गेम में काफ़ी हाई टेक का हमारी शॉप। तो चलो जल्दी से चल के ओपन करते हैं। वैसे गाइस ये शॉप नहीं है, ये ना कैफे है। और वैसे यहाँ पे देखो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, मतलब बंदे देखो आ जा रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे अपना ये कैफे खोल लेंगे ना, तो यहाँ पे हमारी अर्निंग ज़्यादा होगी। तो चलो जल्दी से खोलते हैं इसको। वैसे हम लोग गाइस शहर के ना एकदम बीचों बीच हैं। गेट खोलते हैं। ओ भाई गेट अपने आप ही खुल रहा है। तो स्टोर यार काफ़ी हाई टेक है, देखो जो गेट है गाइस ये भी ना सेंसर वाला लगा हुआ है। तो चलो चलते हैं अंदर। पर रुको यार गाइस, अंदर ना बहुत ही सारा देखो कचरा पड़ा हुआ है, तो हमें यार इन सब को ना पहले साफ करना होगा। यहाँ साइड में देखो लिखा भी आ रहा है क्लीन द गेमिंग कैफे बिफोर यू स्टार्ट। तो स्टार्ट करने से पहले कैफे को हमें साफ करना पड़ेगा, झाड़ू पोछा मारना पड़ेगा यहाँ पे। तो चलो देखते हैं गाइस झाड़ू पोछा है कहाँ पे। पर रुको, झाड़ू पोछा तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। और यहाँ पे देखो एक आर्केड वाली मशीन रखी हुई है, जिसके अंदर गाइस जनता आके ना आर्केड गेम खेलेगी। और यहाँ पे एक सेल्फ रखा हुआ है पहले से। और यहाँ पे देखो हमारा मेन पीसी रखा हुआ है, जहाँ से गाइस हम लोग ना सब कुछ कंट्रोल करेंगे। और यहाँ पे देखो एक काउंटर रखा हुआ है, अगर हम कुछ बेचेंगे तो यहाँ से गाइस हम चेकआउट करेंगे। तो फिलहाल गाइस हमें साफ सफाई करनी है, तो झाड़ू पोछा देखते हैं चल के। और रुको यार ऊपर भी देखो, बस रुको ऊपर है तो, बट लॉक रखा है। तो मुझे लगता है गाइस धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग इस गेम को खेलेंगे ना, वैसे वैसे अनलॉक होंगी चीज़ें। और यहाँ पे देखो नीचे भी अंडरग्राउंड कुछ तो बना हुआ है। ओह रुको, ये गाइस हमारे कैफे का एक शायद से स्टोर रूम है, तो स्टोर भी ठीक है। यहाँ पे गाइस हम लोग स्टोर करके रखेंगे अपनी चीज़ें जो मंगाएंगे, तो वेयर हाउस एक तरह का। तो यार झाड़ू पोछा कहाँ पे है? और रुको, ये लोग कह रहे हैं प्रेस क्यू क्यू टू ओपन द इक्विपमेंट यूआई देन क्लीन द कैफे यूजिंग द ब्रूम एंड वैक्यूम क्लीनर। तो गाइस हमें क्यू दबाना है, और इसके अंदर देखो एक वैक्यूम क्लीनर है और एक गाइस ब्रूम है। तो चलो जल्दी से घुमाते हैं चारों ओर पोछा, क्योंकि यहाँ पे देखो यार बहुत सारा कचड़ा चुआ हुआ है, पानी चुआ शायद से। मुझे लगता है यार ऊपर का लेंटर चूहा है, जब बारिश हुई है पता नहीं यार कुछ तो चूहा हुआ है। साफ़ करते हैं जल्दी से। और यहाँ पे देखो यार बहुत सारे कैन वैन भी पड़े हैं, तो ये कैसे साफ़ होंगे? अबे यार इससे तो गाइस साफ़ ही नहीं हो रहे। मुझे लगता है गाइस इसको उठा के ना हमें डस्टबिन के अंदर डालना है। तो पहले तो यार जल्दी से साफ़ करते हैं नीचे का फ्लोर, ताकि थोड़ा साफ ऑफ हो जाए। रुको यार पैरों के निशान छप जा रहे हैं, शायद से गाइस हमारे पैर पे मिट्टी मिट्टी लगी हुई है। तो यहाँ पे यार साफ़ सफाई का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। पर रुको, जो कैन है गाइस उसको साफ़ करना है हमें। तो वैक्यूम क्लीनर को जल्दी से निकाल के यहाँ पे चारों ओर घुमा के गाइस करते हैं साफ़ इसको। यहाँ पे देखो काफ़ी सारे कैन फेंके हुए हैं, तो इसको भी उठाते हैं। और रुको, यहाँ पे देखो यार गार्बेज का एक बैग पैक हो गया, तो इसको हमें उठा के ना बाहर डस्टबिन के अंदर कहीं पे डालना है। इसको भी उठाते हैं, इसको भी साफ़ करते हैं। यहाँ पे भी दो भाई बैग रखे हुए हैं कबाड़ कूड़े के, तो इसको भी उठाते हैं। और उठा के जल्दी से, एक साथ दो नहीं उठा सकते, तो इसको कहाँ फेंकना है? बाहर। रुको, वहाँ सामने फेंकना, देखो मार्क बना रहा है। तो वहाँ पे देखो डब्बा रखा ना गार्बेज वाला, उसके अंदर फेंकना है। ओ भाई गया उसके अंदर, नहीं गया, थोड़ा सा रह गया। चलते हैं जल्दी से फिर से अंदर और इसको उठाते हैं। और उठा के, वैसे उठ जा भाई, इसको उठाते हैं। और मेरे हिसाब से गाइस अगर मैं इसको यहाँ से धक्का मार के बाहर लेके जाऊँ, तो बड़े आराम से ना ले जा सकता हूँ। देखो भाई फुटबॉल खेल रहे हैं हम लोग। चल 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 बाहर, चल 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 चल, थोड़ा सा और ले जा के तो मैं इसको रहूँगा बाहर। चल थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, चल भाई बाहर चल। और रुको, थोड़ा सा रह गया, खुल जा भाई गेट। अबे खुल जा गेट भाई। और रुको गाइस, देखो यार हमारा टास्क ना सफाई वाला कम्प्लीट हो चुका है, और हमें मिले 5000 येन। इस गेम की करेंसी गाइस डॉलर नहीं है, येन है। रुको यार, नहीं गाइस जाएगा नहीं ये। तो चलो इसको थ्रो करते हैं जल्दी से उसके अंदर, और जल्दी से गाइस उठाते हैं इसको भी, और इसको भी ले जाके जल्दी से थ्रो करते हैं सीधा उसके अंदर। ओ भाई वहाँ पे बंदा जा रहा है, उसके खोपड़ी में लग जाए वरना गाइस वो मर जाएगा। वैसे यार उसके अंदर देखो यार जा नहीं रहा, तो गाइस बाद में ना वहाँ पे जाके मैं सबको उठा के ना उसके अंदर डाल दूंगा। बट फिलहाल देखो यहाँ पे एक नया टास्क अनलॉक हो चुका है, जिसके अंदर लिखा है ऑर्डर फॉर गेम सीडी फॉर मैंगा फ्रॉम द मेन पीसी। तो हमें गाइस कुछ ना 4 कॉमिक्स ऑर्डर करनी है और 4 गेम की सीडी ऑर्डर करनी है। तो यहाँ पे गाइस हम लोग सीडी भीड़ी बेचेंगे। वैसे जो ये टाउन है वो तो काफ़ी हाई टेक है, बट गाइस यहाँ के बंदे ना अभी भी सीडी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि ये तुम्हारा मेन पीसी है, जहाँ से तुम अपने कैफे को पूरा कंट्रोल कर सकते हो। तो चलो करते हैं कंटिन्यू। और देखो यार कंप्यूटर के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, होम अपग्रेड स्टोर गेमिंग कैफेटेरिया डेकोरेशन हायर। तो पहले तो हमें गाइस कॉमिक्स बाय करनी है, तो जाते हैं स्टोर के अंदर। और यहाँ पे देखो स्टोर में गाइस काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि सेल्फ
वेंडिंग मशीन, आर्केड मशीन, गेम सीडी, महंगा फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, पीसी एक्सेसरीज। तो पहले तो हम जल्दी से ऑर्डर कर लेते हैं महंगा। पर रुको, महंगा कॉमिक्स कौन सी ऑर्डर करनी है? यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इस नाम साइड में, केव हंटर ऑर्डर करनी है, गेम की सीडी, गो ब्लेड गेम की सीडी, ठग गैंग, स्पेस सिमुलेटर, वेलर कॉल। भाई ये कौन सी मेगा कॉमिक्स है? अच्छा ये रही तो गेम सीडी। अच्छा मुझे, मैं समझ गया, चारों चार ऑर्डर करनी है हमें। देखो चार ही का फिलहाल, तो करते हैं इसको कार्ट के अंदर ऐड। और भाई 5000 येन की है। अच्छा शायद से जापान की करेंसी काफ़ी कमज़ोर है ना, उस वजह से। यहाँ पे इसको भी ऐड करते हैं, महंगा को, चारों को। और यहाँ पे गाइस अपने पास है 45000 येन। तो चलो कार्ट के अंदर ऐड हो चुके हैं, करते हैं जल्दी से बाय। और गाइस ये टास्क हमारा देखो कम्प्लीट हो चुका है और हमें मिले हैं 2000 येन। तो अपने पास बचे हैं 9000 येन। तो ये लोग कह रहे हैं वेट फॉर द ट्रक एंड मूव द बॉक्स टू द वेयर हाउस इन्वेंट्री। तो कहीं से तो गाइस ट्रक आ रहा है हमारा सामान लेके। और रुको, वो देखो वहाँ सामने मार्क बना रहा है, मुझे लगता है गाइस वही हमारा ट्रक है। तो चलो जाके थोड़ा देखते हैं वहाँ पे। ओ ये रहा गाइस हमारा ट्रक। तो वैसे यार टाउन तो गाइस काफ़ी बड़ा है, तो इसके ऊपर, और रुको इसके ऊपर बैठ जाता हूँ ताकि ये हमें सीधा शॉप पे लेके चला जाए। जंप मार के इसके ऊपर, ओ भाई चढ़ गया इसके ऊपर। चल चल भाई, चल 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 चल, थोड़ा झूठा दे मुझे, चल चल चलना भाई। क्या हुआ? ओ रुको, सामने देखो यार लाइट हो रखी है, उस वजह से गाइस ये चल नहीं रहा। तो जैसे लाइट ग्रीन होगी ये चल पड़ेगा। चल यार भाई क्या हुआ? ओ चल रहा है गाइस, रुको मुड़ रहा है, धीरे धीरे मुड़ेगा। ओ भाई वहाँ पे देखो एक बंदा जा रहा है बिना कपड़ों के। अच्छा पहने हुए कपड़े, बट दूर से देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कपड़े नहीं पहने। तो ये कहाँ पे लेके जाने वाला है? जो हमारा वेयर हाउस है वो तो नीचे है ना, तो शायद से हमारी शॉप के बाहर रुकेगा। ओ भाई रोक 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 रोक, कहाँ लेके जा रहा है भाई? रोक, अबे ये रोक क्यों नहीं रहा? रुक, अच्छा रुको भाई, यहाँ पे देखो छोटी सी गली है, तो ये गली में, अच्छा पीछे हमारा शायद से अंडरग्राउंड नहीं है हमारा जो वेयर हाउस है, नहीं अंडरग्राउंड है यार। इस साइड देखो जो सड़क है काफ़ी ऊंची है, यहाँ पे गेट बना हुआ है। तो ये गाइस बोल रहा है कि जल्दी से उठा के ना अपने वेयर हाउस के अंदर रख ले, बट कैसे रखूँ इसको? और रुको, अबे यार ये क्या घुमा रहा है? तो गाइस मुझे ना शायद से अंदर जाना है, और अंदर जाके पहले इसको खोलना है, मतलब वेयर हाउस को, और उसके बाद हमें उठा के उसके अंदर रखना है। तो चलो जल्दी से चलते हैं नीचे। और यहाँ पे बटन, और रुको यहाँ पे कुछ तो लिखा हुआ है, रीसेट। क्या रीसेट? शायद से गाड़ी बाड़ी का रीसेट बटन है ये। तो शायद से गाइस हम गाड़ी बाड़ी बाई करेंगे इस गेम के अंदर। फिलहाल यहाँ से ओपन करते हैं वेयर हाउस का गेट, और यहाँ से उठा के जल्दी से रखते हैं इसको। कहाँ रखना है? अच्छा इसके अंदर रखना है, तो जल्दी जल्दी उठा के गाइस रख लेते हैं इसके अंदर। पर रुको यहाँ पे, ओ रुको भाई गली चोरा है, कहाँ गया वो? शायद से गाइस बाद में शो अपने आप ही हो जाएगा, देखते चलो करके। यहाँ से उठा के डालते हैं, ओ रुको देखो आ गया एक डब्बा। तो भाई एक ही आया, बाकी क्यों नहीं आए? चलो रख के देखते हैं क्या पता जब हम लोग जाएँ इसके अंदर। ओ देखो इसके अंदर गाइस ये स्टोर हो रहे हैं, बट दिखाई नहीं दे रहे। तो इसको भी उठाते हैं, और इसको भी रखते हैं अंदर, और इसको भी उठाते हैं। और ओ देखो टास्क गाइस हमारा कंप्लीट हो गया, और हमें मिले 10000 एन। भाई एक डब्बा मेरा और था, ओ नहीं था। तो चलो जल्दी से गाइस यहाँ से ना बंद करते हैं वेयर हाउस का गेट, और जल्दी से चलते हैं ऊपर। शायद से गाइस वहाँ पे जब जाएंगे हम सेल्फ पे, तब ना वहाँ से सीधा यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देखो ये रही हमारी सेल्फ। तो ये लोग कह रहे हैं कि जल्दी से रीस्टॉक करो यहाँ पे, मतलब कि लगाओ। तो कैसे लगाना है? अच्छा इसको स्लाइड करके हमें इसके ऊपर रख देना है। तो सबसे पहले तो यार रखते हैं गेम की सीडी। पहली सीडी है हमारी केव हंटर, दूसरी सीडी है गोब्लेट, तीसरी सीडी है गाइस हमारी ठग सिमुलेटर, ठग गैंग, तीसरी चौथी सीडी है हमारी स्पेस सिमुलेटर। तो यहाँ के बंदों को भी स्पेस सिमुलेटर गेमें काफ़ी पसंद है। यहाँ पे लगाते हैं गाइस अपनी मेगा कॉमिक्स, दो सेल्फ हमारे पास, इसको रखते हैं यहाँ पे, इसको भी रखते हैं यहाँ पे, नो मैन अर्थ इसको भी रखते हैं यहाँ पे। और चलो ये गाइस ये टास्क भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखो नया टास्क अनलॉक हुआ है, ओपन द गेमिंग कैफे फॉर द कस्टमर फ्रॉम द मेन पीसी। तो ये रहा गाइस हमारा मेन पीसी, और यहाँ पे देखो ये रहा, यहाँ से करते हैं ओपन, और चलो वेट करते हैं अपने पहले कस्टमर के आने का। वैसे यार यहाँ पे जो आर्केड मशीन रखी हुई है इसके अंदर मैं गेम नहीं खेल सकता। रुको गाइस खेल के देखता हूँ क्या पता गेम खेल लें हम लोग इसके अंदर। पर रुको नहीं खेल सकते, इसको हम मूव कर सकते हैं बट खुद से ना गेम नहीं खेल सकते। तो चलो फिलहाल इसको रहने देते हैं यहाँ पे, बाद में गाइस सब कुछ सेटिंग करूँगा, बट फिलहाल बंदे, ओ भाई एक बंदा आया देखो कुछ खरीद रहा है। तो गाइस ओ क्या हुआ? हेलो भाई क्या हुआ? ओह देखो इसने ले लिया। तो ये लोग कह रहे हैं कि जल्दी से ना 10 बंदों को सीढ़ियाँ बेचो। तो जाते हैं जल्दी से काउंटर पे, और यहाँ पे गाइस हमने इनका चेकआउट करना है। क्या लिया भाई तूने? इसने लिया गाइस एक महंगा कॉमिक्स। तो यहाँ पे देखो स्कैनर पड़ा अपने पास, तो स्कैनर से इसको करना स्कैन, और ये देखो अपने कंप्यूटर के अंदर आ गया। और इसको यहाँ पे एक कन्वेयर बेल्ट लगी हुई है, एक तरह की स्लाइडिंग बेल्ट लगी है, तो हमें इसको स्लाइड करना है। और यहाँ पे देखो स्लाइड करते गाइस ये ना चेकआउट हो जाएगा। इस बंदे ने गाइस यहाँ पे देखो एक कॉमिक्स खरीदी है, इसका भी जल्दी से करते हैं चेकआउट। और आ जाओ जल्दी जल्दी, इसने खरीदी है एक कॉमिक्स, इसका भी करते हैं चेकआउट। आ जाओ दीदी, इसका भी करते हैं चेकआउट जल्दी से। वैसे ओ रुको एक और बुक है भाई, इसने पहले क्यों नहीं रखी, बाद में रख रही है। चलो रुको भाई, बंदे ना यहाँ के बहुत स्कीम लगा रही हैं।
इनको लग रहा है कि मैं चेकआउट नहीं करूंगा और ये ना फ्री का लेके चले जाएंगे। रुको, यहाँ से निकलते हैं बाहर। और यहाँ पे देखो गाइस, एक लड़की आई है जो कि ना आर्केड गेम के अंदर गेम खेल रही है। कौन सी गेम खेल रही है? और रुको, ये तो गाइस कोई सुपर मारियो टाइप की गेम लग रही है या फिर जंगल एडवेंचर टाइप की। मेरे पास भी गाइस पहले ना वो दूसरी वाली गेम थी आर्केड वाली, जिसको मैं टीवी में लगा के खेलता था, कुछ वैसी वो गेम है। तो चलो जल्दी से करते हैं इसका भी चेकआउट, उठाते हैं यहाँ से स्कैनर। तो देखो यार, जैसे मैंने बताया था ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिक्री होगी हमारी, वैसी हो रहा है। बहुत बंदे आ रहे हैं गाइस, बहुत कस्टमर आ रहे हैं, मिनटों में हमारी सारी बुकें बिक जाएंगी। जल्दी से करते हैं चेकआउट। 6 का हम लोगों ने कर दिया और ये हो गया 7th, और इसका भी करते हैं जल्दी से चेकआउट। ये 8वां भी गाइस हमारा हो गया, इसका भी करते हैं चेकआउट। चलो चलो भाई, चलो चलो सबके सब चलो आ जाओ। तो जल्दी से इसका भी करते हैं चेकआउट भाई का, आ जाओ भाई तुम भी। इसका भी करते हैं गाइस चेकआउट, इस लड़के का भी करते हैं चेकआउट। इस बेल्ट को चलाना यार बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत बोरिंग काम है। तो हमारे पास हो चुके हैं गाइस 56,600 येन। और रुको, यहाँ पे देखो यार भाई, तेरे पैर में मिट्टी लगी हुई है क्या? यहाँ पे देखो यार, पैर के निशान छाप रहा है। तो चलो बाद में साफ़ कर देंगे, फिलहाल गाइस हमारा ये कैफे है ना एकदम क्लीन है। तो चेकआउट करते हैं जल्दी से। इसने लिए भाई कॉमिक्स, इसने भी लिए कॉमिक्स, तूने क्या लिया भाई? इसने भी गाइस कॉमिक्स। और रुको, एक गेम की सेल से सीडी भी ली है। आजा भाई, तूने क्या लिया है? गेम की कॉमिक्स, करते हैं चेकआउट। वैसे गाइस यहाँ पे हमारी गेम की कॉमिक्स ना ज़्यादा बिक रही हैं, देखो खाली होगी। और जो गेमें हैं ये भी वैसे काफ़ी बिक रही हैं, 2, 4, 6, 7 रह गई। और जो कॉमिक्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 रह गई। तो शायद से यार जो गाइस हमारी गेमें हैं वो ज़्यादा बिक रही हैं। तो चलो वेट करते हैं। पर रुको, ये लोग कह रहे हैं गाइस की रात होगी। रात कैसे होगी, तुम्हें क्या करना है? अच्छा, ये लोग कह रहे हैं गाइस की जल्दी से ना रूम के अंदर जाओ, कहीं पर तो रूम है। तो रूम कहाँ पर है? ऊपर है क्या? हमें शायद से सोना है, पर कहाँ पे जाके सोना है? ये लोग कह रहे हैं कि जल्दी से पीसी के अंदर जाओ, पहले उसके अंदर जाके अनलॉक करो रूम को। तो इसके अंदर देखो गाइस यार काफ़ी कुछ है, पहले हमें इन दोनों को अनलॉक करना है, उसके बाद जैसे हमारा लेवल 2 होगा उसके अंदर हम इन सब को अनलॉक करेंगे, जिसके अंदर है वेयर हाउस, पीसी गेमिंग, कैफेटेरिया, स्टोर, टॉयलेट, स्मोक रूम, टॉयलेट। उसके बाद जैसे हमारा लेवल 3 होगा उसके अंदर हम ये सब अनलॉक कर सकते हैं। जैसे गाइस हमारा लेवल 4 होगा उसके अंदर हम ये सब अनलॉक कर सकते हैं। वैसे ये लेवल नहीं है, मुझे लगता है गाइस ये स्किल है। बट रुको, यहाँ पे गाइस हमें अपने सोने का रूम अनलॉक करना है। तो चलो करते हैं इसको अनलॉक। और कहाँ पे अनलॉक हुआ है? और रुको, देखो नीचे गाइस मार्क बना रहा है, तो हमें जाना सीधा नीचे और जाके सो जाना है। कहाँ पे अनलॉक हुआ है? और रुको, पहले गाइस यहाँ पे दीवार थी, बट दीवार के अंदर एक रूम बन गया। तो गाइस ये हमारा कुछ रूम है जो कि देखने में तो सिंपल सा है। यहाँ पे एक बेड रखा है, यहाँ पे एक अलमारी रखी हुई है कपड़े उपड़े पहनने के लिए, और यहाँ पे देखो कुछ बुक्स रखी हुई हैं, और यहाँ नीचे भी कुछ बुक्स रखी हुई हैं पढ़ने के लिए। तो बंदा भाई बुक वुक पढ़ने का काफ़ी शौकीन है, बस गेमें बेचता है, गेमें खेलता नहीं है। यहाँ पे हमारी अर्निंग वर्निंग दिखा रहा है। और डे गाइस 2 स्टार्ट हो चुका है। चलो चलते हैं जल्दी से ऊपर और जल्दी से जाके फिर से करते हैं चेकआउट। और यार यहाँ पे मैं कंप्यूटर कब रखूँगा? और कंप्यूटर कहाँ पे रखूँगा? हमारी शॉप तो यार काफ़ी बड़ी है, काफ़ी छोटी सी है। रुको, यहाँ पे यार लड़की फिर से आई है। ये देखो, ये इसके अंदर कॉइन डाल रही है और कॉइन डाल के गाइस गेम खेल रही है। चलो इसकी ना थोड़ी गेम देखते हैं, कौन सी गेम खेल रही है ये और ये खेलती कैसे है। अच्छा, इसके अंदर हमें कॉइन खानी है, चीज़ें तोड़नी है, और इसके पास देखो एक हाथ में ना हथौड़ा है, उससे गाइस ये शायद से सबको मारेगा। तो एक टाइप की गाइस ये ना मारियो गेम है। ये देखो नीचे कांटे लगे हुए हैं, अब ये जंप मारेगी, मार जंप। अगर ये जंप नहीं मारेगी तो ये नीचे गिर के ना मर जाएगी और इसकी गेम ओवर हो जाएगी और इसके पैसे गाइस हमारे हो जाएंगे। और रुको, इसको खजाना मिल रहा है। मुझे लगता है गाइस ये लड़की ना काफ़ी प्रो गेम खेलने में, क्योंकि बेचारी अभी एक बार ही नहीं मरी। ओ रुको, यहाँ पे देखो यार काउंटर पे बहुत सारे बंदे खड़े हैं। तो जल्दी से करते हैं चेकआउट। भाई ने एक गेम की सीडी खरीदी है, तो उठा भाई इसको, क्या कर रहा है? चल भाई आ जाओ अगला। इसने खरीदी है कॉमिक्स, आ जाओ अगला। इसने खरीदी है कॉमिक्स। जो गाइस लड़कियाँ आ रही हैं वो कॉमिक्स खरीद रही हैं, और जो लड़कियाँ आ रही हैं वो गेम खरीद रहे हैं। इस भाई ने तो कॉमिक्स खरीदी है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओ, इसने गेम खरीदी है, उल्टा बोल गया शायद से मैं। लड़कियां गाइस गेम खरीद रही हैं और जो लड़के आ रही हैं वो कॉमिक्स खरीद रहे हैं। और यहाँ पे देखो, ओ ये देखो, ये पैसे चेक कर रहे हैं कि मेरे जेब में पैसे हैं भी। तो यहाँ पे फिर से खड़े होते हैं और जल्दी से गाइस चेकआउट करते हैं। गेम की सीडी खरीदी है इसने, करते हैं चेकआउट। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और रुको, एक और खरीदी इसने, 2 गेमें खरीदी हैं इस लड़की ने भाई, गेम की सीडी खरीदी है। ये लड़का ना देखो, इसने कॉमिक्स खरीदी होगी पक्का। ये देखो कॉमिक्स खरीदी है इसने, आ जाओ आ जाओ। वहाँ पर भी गाइस एक लड़की आई है, कुछ तो बोल रही थी ये लड़की, शायद से गाइस इसको जो चाहिए था वो वहाँ पे था नहीं। तो धीरे धीरे यार अनलॉक करूँगा ना, फिलहाल एकदम से थोड़ा अनलॉक कर दूँगा। ये भी खरीद रही है, रुको इसने गेम की सीडी खरीदी है। और यहाँ पे देखो गाइस 2 लड़के कुछ तो खरीद रहे हैं। और रुको, ये लोग कह रहे हैं गाइस कि यहाँ पे ज़्यादा सामान नहीं है, क्या बोल रहे हैं भाई? कैन नॉट फाइंड आइटम टू मैन, भाई क्या बोल गई ये लड़की, कुछ तो इनको चाहिए और भी। तो धीरे धीरे अनलॉक करूँगा ना, एकदम से थोड़ा अनलॉक कर दूँगा। चलो चेकआउट करते हैं इसका जल्दी से। चलो 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 आ जाओ जल्दी से, एक एक करके सब। इसका भी करते हैं चेकआउट। चलो भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अगला आ जाओ।
इसका भी करते हैं चेकआउट। चलो भाई चेकआउट का काम अपना गाइस कंप्लीट हो चुका है। बट गाइस यार जो ये लड़की है ये पैसे कहाँ देके जा रही है ये मुझे पता नहीं चला। यहाँ पे देखो कचरा पड़ा हुआ है तो इसको जल्दी से करते हैं साफ। और गाइस साइड में देखो अपना टास्क ना कंप्लीट हो चुका है तो हमें यार क्या करना है यहाँ पे अब ना साइड में देखो अनलॉक द पीसी गेमिंग एरिया फ्रॉम द मेन पीसी। तो हमें यहाँ पे कहीं पे ना एरिया अनलॉक करना है गेमिंग पीसी के लिए ताकि बंदे आए तो पीसी पे भी गेम खेल लें। तो उसके लिए गाइस ये लोग कह रहे हैं जल्दी से पीसी के अंदर जाओ और उसके अंदर अपग्रेड करो। तो ये रहा गाइस गेमिंग पीसी, इसको हमें अपग्रेड करना है। चीज़ें ना इसके अंदर धीरे धीरे अनलॉक होती जाएंगी। वहाँ पे देखो गाइस एक गेमिंग पीसी का रूम छोटा सा अनलॉक हो चुका है। तो ये हमारा गेमिंग पीसी रूम है। तो यहाँ पे गाइस पहले तो हमें साफ सफाई करनी पड़ेगी। तो निकालते हैं जल्दी से अपना रूम और जल्दी से पहले तो यार पानी साफ़ करते हैं जो नीचे चूहा हुआ है। यहाँ पे भी घुमाते हैं, यहाँ पे देखो भूत के निशान छपे हुए हैं, इसको भी करते हैं साफ और इसको भी करते हैं साफ। और यहाँ पे देखो यार लकड़ियाँ फेंकी हुई हैं, शायद से यहाँ पे पहले फट्टे लगे हुए थे बट पहले दिखाई तो दे नहीं रहे थे, पता नहीं क्या सीन है। इसको उठाते हैं और उठा के जल्दी से ले जा के फेंकते हैं बाहर। वैसे यार एक डस्टबिन भी मुझे शायद से मंगा लेना चाहिए। फेंकते चलो इसको वहाँ पर सीधा चला जाएगा उसके अंदर, नहीं गया उसके अंदर। चलते हैं अंदर और फिर से गाइस इसको उठाते हैं और इसको भी उठा के जल्दी से फेंकते हैं उसके अंदर। वैसे एक बार में गाइस उठाएगा तो मुझे लगता है उठाएगा, नहीं यार नहीं उठा रहा। तो एक एक करके फेंकना पड़ रहा है हमें, काफ़ी मेहनत का काम है एक एक करके फेंकना। यहाँ से फेंकते हैं सीधा उसके अंदर। और यहाँ पे देखो यार बहुत सारे कस्टमर गाइस फिर से खड़े हुए हैं तो जल्दी से करते हैं चेकआउट। चलो भाई आ जाओ अगला, इसका भी करते हैं चेकआउट। कॉमिक्स बुक लिया इसने, इसने क्या लिया है गेम की सीडी। चलो भाई इसका भी करते हैं चेकआउट। और ये भाई क्या हुआ, क्या नहीं मिल रहा है इस लड़की को, बार बार आ रही है। और यहाँ पे भाई वो लड़की कहाँ गई, उसने पैसे नहीं दिए। मुझे लगता है गाइस पैसे ना लोग इसके अंदर डाल दे रहे हैं मशीन के, तो शायद से बाद में मुझे लगता है वो कंप्यूटर के अंदर ना सीधा पहुँच जा रहे हैं, मतलब जो हमारे पास ऊपर पैसे दिखा रहा है ना इसके अंदर अपने आप ही ऐड हो जा रहे हैं। तो यहाँ से जल्दी से उठाते हैं इनको और उठा के जल्दी से फेंकते हैं बाहर। उसके बाद गाइस यहाँ पे ना कंप्यूटर बाहर करके जल्दी से लगाते हैं, इसको फेंकते हैं और अंदर चलते हैं जल्दी से फिर से। और एक फट्टा और पड़ा है देखो, इसको भी उठा लेते हैं चलो जल्दी से। और गाइस इसको भी उठा के ले जाके फेंकते हैं बाहर डस्टबिन के अंदर। अगर यहाँ से फेंकूँ, अरे यार गाइस नहीं फेंका जाएगा यहाँ से, एक तो गेट भी अपने आप बंद जा रहा है ना ये वाला उस वजह से। तो चलो गया ये, चलते हैं अंदर। और यहाँ पे यार बूट के निशान छपे हुए हैं, रुको यार पहले तो मुझे ये साफ करने दो, सही अच्छा लग रहा है देखने में। यहाँ पे घुमाते हैं चारों ओर, इस साइड इस साइड इस साइड और यहाँ पे भी। पर रुको यहाँ पे गाइस ये क्या अनलॉक हुआ है, इसको पहले रखते हैं अंदर। और यहाँ पे इसके अंदर देखते हैं गाइस ये क्या है, लॉगिन मशीन। अच्छा ये शायद से गाइस टोकन, यहाँ पे टोकन डलेगा उसके बाद गाइस बंदा ना सीधा पीसी गेमिंग के अंदर जाएगा, पीसी पे गेम खेलने। तो इसके अंदर क्या कुछ है ये देखो, अच्छा रुको, हेयर यू सेल टिकट फॉर रेंटल। अच्छा यहाँ पे गाइस हम लोग शायद से प्राइवेट रूम देने के लिए रेंट पे दे सकते हैं प्राइवेट रूम। तो इसके अंदर फिलहाल देखो कंसोल रूम है एक, एक गेमिंग पीसी रूम है और एक गाइस प्राइवेट रूम है। तो चलो जाते हैं जल्दी से कंप्यूटर के अंदर। और ये लोग गाइस कह रहे हैं कि जल्दी से जाके ना देखो कंप्यूटर बाय करो और एक गाइस लो एंड पीसी बाय करो, 1080 पिक्सल मॉनिटर बाय करो, स्टैंडर्ड कीबोर्ड माउस हैंडसेट सब कुछ बाय करो। तो जाते हैं कंप्यूटर के अंदर और जाते हैं गाइस स्टोर के अंदर। पर स्टोर के अंदर ओ ये रही पीसी एक्सेसरीज, पर नहीं यार ये तो गाइस लोगो रखी है तो कहाँ से बाय करना है इसके अंदर। और ये रही गाइस सेल्फ, तो पहले तो जल्दी से ऐड करते हैं सेल्फ को कार्ट के अंदर। और भाई गेमिंग और इसके अंदर तो नहीं कहीं, और ये देखो ये रहा गाइस गेमिंग के अंदर। तो उस भाई मैंने गलत ऐड कर लिया उसको, तो मुझे ना ये वाला कंपार्टमेंट ऐड करना है, इसके ऊपर कंप्यूटर रखेंगे और इसके अंदर से एक लो एंड पीसी बाय कर लेती हैं। फिलहाल गाइस हम लोग पुराना खरीद रहे हैं क्योंकि यार हमारे पास गाइस उतने पैसे नहीं है। मॉनिटर भी देखो गाइस 60 हर्ट्ज़ खरीद रहे हैं जो कि थोड़ा लैग होकर चलेगा बट फिलहाल कुछ भी नहीं कर सकते। माउस कीबोर्ड भी ऐड कर लेते हैं, एक माउस पैड भी ऐड कर लेते हैं, चेयर भी ऐड कर लेते हैं गेमिंग वाली, और एक गाइस हैंडसेट भी ऐड कर लेते हैं। तो शायद से यही सामान करना है हमें। चलो करते हैं भाई यहाँ से और वेट करते हैं गाइस ट्रक के आने का फिर से। ये लोग देखो बोल रहे हैं टास्क कंप्लीट, वेट फॉर द ट्रक एंड मूव द बॉक्सेस टू द वेयर हाउस इन्वेंट्री। तो जाके जल्दी से नीचे वेयर हाउस की इन्वेंट्री खोल आते हैं। ट्रक वैसे आते ही होगा, वो देखो वहाँ पर मार्क बना रहा है ट्रक आने का। तो यहाँ से जल्दी से घुमा के खोलते हैं वेयर हाउस को ताकि गाइस बाहर से ना सीधा। अबे यार बार बार भाई ब्रूम क्यों निकाल ले रहा है। तो चलो चलते हैं ऊपर, फिलहाल तो यार गाइस कोई चोर नहीं आ रहा, ये लोग हमें गेम ना खेलना सिखा रहे हैं फिलहाल। तो जल्दी से भाई क्या करते हैं चेकआउट, इसने खरीदी है गेम, उठाते हैं इसको फिर से। चलो भाई चलो 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 आ जाओ और आ जाओ। और रुको गाइस जो हमारी कॉमिक्स थी और गेम थी सबके सब ना खत्म होगी, तो मुझे लगता है गाइस हमें थोड़ी बहुत और गेम की सीडी मंगा लेनी चाहिए। तो चलो ऐड करते हैं कार्ट के अंदर। एक सीडी पड़ रही है भाई 5000 की, 6000 की, 7000 की। और यहाँ से गाइस हम लोग महंगा कॉमिक्स भी ऐड कर लेते हैं चलो कार्ट के अंदर। और जल्दी से करते हैं बाय, देखते हैं कितने पैसे लग रहे हैं। 40000 एन, तो हमारे पास बचे हैं 27000 एन। तो जो ट्रक था वो देखो नीचे आ चुका है, नहीं नहीं आया, अच्छा वो देखो सामने आ रहा है। तो चलो वेट करते हैं थोड़ा आने का उसके। देखो यार बंदे आ रहे हैं गाइस, मुड़ जा रहे हैं। अरे रुक जाओ भाई, बस 2 मिनट रुक जाओ, आने देते हैं ट्रक को। यहाँ से उठा के डब्बा भाई डाल दे उसके अंदर, नहीं डाल पा रहा। आ जा मुड़ जा भाई इस साइड आ जा, चलते नीचे भाग के जंप मार के सीधा। और यहाँ पे गाइस आ चुका अपना ट्रक, उठाते हैं भाई, मत मार हो रहा नहीं, यहीं पे तो खड़ा हूँ मैं, डालते हैं जल्दी से।
इसके ऊपर। चलो भाई इसको भी उठाते हैं डब्बे को और डालते हैं अंदर। इस वाले डब्बे को भी उठाते हैं एक साथ, यार उठा नहीं पा रहे हम लोग मल्टीपल, एक साथ उठा पाते तो सही रहता। और यहाँ पे गाइस देखो हमारा टास्क कंप्लीट हो चुका है, तो चलो चलते हैं जल्दी से ऊपर। और गाइस वेयर हाउस का ना यहाँ से दरवाजा बंद करते हैं, वरना गाइस अगर चोर आएगा ना तो चुरा के लेके भाग जाएगा। तो चलो चलते हैं ऊपर और यहाँ पे जल्दी से करते हैं ऐड इसके अंदर। पर रुको भाई यहाँ पे ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा, यहाँ पे देखो ये क्या सीन है भाई, यहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। मुझे लगता है जब रात होगी तब शायद से हम लोग ऐड कर पाएंगे क्या, शायद से हमें इसको स्टोर को बंद करना पड़ेगा। तो अगर जाते हैं गाइस होम के अंदर और यहाँ से करते हैं बंद तो क्या होगा, रुको देखने दो। फिलहाल यहाँ से अगर बंद करते हैं, नहीं गाइस हमें शायद से ना टास्क करना है पहले, तो ओपन कर देते हैं यहाँ से। और ये लोग कह रहे हैं गाइस कि जल्दी से ना जाके लगाओ सबको इस रूम के अंदर। तो यहाँ पे कैसे लगाना है, अच्छा हमें इन्वेंट्री खोलनी शायद से यहाँ से। ये देखो गाइस ये पड़ा हमारा सारा सामान, तो यहाँ से हमें पहले अपना ये कंपार्टमेंट लगाना है, मतलब टेबल लगाना है। इसको लगाते हैं, पर रुको यार इसको लगाना कैसे है, ये तो गाइस लग ही नहीं रहा सही से, मतलब इसको घुमाना कैसे है। फिर से गाइस गैप हो गया, ये रहा वो कंपार्टमेंट और ये देखो सही हो गया। तो इसको चलो लगाते हैं यहाँ साइड में करके, क्योंकि गाइस अगर सामने लगाऊंगा ना तो यहाँ से बढ़िया सामने से दिखाई देगा कि जनता क्या कर रही है, कुछ गलत तो नहीं देख रही। तो यहाँ से गाइस फिर से जाते हैं इसके अंदर और जल्दी से, ये रही चेयर यहाँ पे देखो बना रहा है। पर रुको चेयर, अबे चेयर उल्टी लगा दी मैंने, अबे ये क्या हो रहा है, माउस पैड रखा हुआ है। इसको चलो रखते हैं यहाँ पे, चेयर यार चेयर कैसे घूमेगी, रुको दोबारा से इसको घुमा के देखने दो मुझे। नहीं गाइस नहीं घूमेगी लगता है, इसको बंदे ना अपने आप ही घुमाएंगे, देखते चलो। जाते हैं फिर से जल्दी से इन्वेंट्री के अंदर और जो, अबे यार भाई ब्रूम क्यों निकल रहा है, ये रहा हैंडसेट, इसको रखते हैं यहाँ पे साइड में। चलो और क्या अपने पास, कीबोर्ड अपने पास, इसको रखते हैं नीचे, अबे रख दे भाई यहाँ पे। ओ नाइस, एक रह गया गाइस अपना मॉनिटर और एक रह गया अपना, ओ रुको भाई सीपीयू ऊपर रख रहा है, और जो हमारा मॉनिटर है इसको कहाँ रखना है, इसको सामने रखना, देखो वहाँ बना रहा है। और जो हमारा माउस है उसको भी रखते हैं यहाँ नीचे। और यहाँ पे गाइस फाइनली अपना गेमिंग रूम कंप्लीट हो चुका है। ओह भाई वॉलपेपर देखो कितना मस्त लगा हुआ है। तो अब गाइस भाग के यहाँ से चलते हैं सीधा अपने मेन पीसी के अंदर और वहाँ से ना जल्दी से ओपन करते हैं अपना गेमिंग रूम, ताकि जनता को पता चल जाए कि यहाँ पे गेमिंग पीसी रूम भी अनलॉक हो चुका है। ये रहा गेमिंग, पर अनलॉक कहाँ से, ओपन कहाँ से होगा, रुको होम के अंदर, अच्छा ये रहा गाइस गेमिंग रूम, गेमिंग पीसी गेमिंग, तो ये अनलॉक हो चुका है देखो। अब इसके अंदर शायद से ना बंदे आएंगे, तो अबे यार कॉमिक्स गाइस खत्म हो गई और इसके अंदर देखो यार ऐड भी नहीं हो रही। मैंने कॉमिक्स मंगाई कि नहीं मंगाई, अरे यार गाइस मुझे लगता है मैंने ऑर्डर ही दिया, मैंने बस कार्ट के अंदर उसको ऐड कर लिया था, अरे शिट यार। जाते हैं फिर से इसके अंदर और यहाँ पे होम के अंदर, अपग्रेड के अंदर, स्टोर के अंदर। अबे यार गाइस मंगाई नहीं मैंने, बट मंगाई थी यार, देखो हमारे पास 33,000 ये बचे हैं, कि नहीं मंगाई, शायद से नहीं मंगाई। तो चलो कोई बात नहीं यार, दोबारा से करते हैं कार्ट के अंदर ऐड चारों को, और सीढ़ी भी ऐड कर लेते हैं जल्दी से इसके अंदर, दोनों को ऐड करके करते हैं ऑर्डर, यहाँ से करते हैं बाय। ये लोग क्या कह रहे हैं, नॉट इनफ कैश, तो यार अपने पास गाइस उतना कैश नहीं है। अच्छा देखो नीचे ट्रक खड़ा हुआ के, अबे यार मैंने भाई नोटिस नहीं किया इसको। तो चलो खोलते हैं जल्दी से गेट और जल्दी से गाइस अपनी कॉमिक्स और जल्दी से गेमिंग सीढ़ी को उठा के रखते हैं इसके अंदर, और फिर ऊपर जाके हम सीधा लगा देंगे वहाँ पे सेल्फ में, क्योंकि यार बंदे ना बहुत सारे आ रहे हैं ये सब खरीदने। जो गाइस बंदे आ रहे हैं ना वो बंदे, ओ रुको टास्क हमारा कंप्लीट हो गया, चलते हैं इसको बंदर के ऊपर। जो बंदे गाइस आ रहे हैं ना वो गेमें तो कम खेल रहे हैं, वैसे बेचारे गेमें क्या ही खेलेंगे, एक ही गेमिंग रूम है और एक ही आर्केड मशीन है, तो वैसे खरीद रहे हैं काफ़ी। तो यहाँ से देखो रखते हैं इसको जल्दी से ऊपर, इसको भी रखते हैं ऊपर, चलो इसको भी रखते हैं ऊपर, इसको भी एक साथ। अभी ये क्या कह रहे हैं ये लोग, 10 स्टॉक एक बार में ऐड कर सकते हो यहाँ पे। तो मुझे लगता है गाइस मुझे ना यहाँ पे 10 करके लोड करना था, इसको अगर उठा के यहाँ पे रख रहा हूँ। नहीं गाइस 10 नहीं रखी जा रही, जितनी हम लोगों ने मंगाई हैं उतनी रखी जा रही हैं, देखो 5 रखी जा रही हैं। तो चलो रात हो चुकी है, फिर से गाइस हमें जाके ना सोना पड़ेगा, क्योंकि गाइस अगर सोएंगे नहीं तो कोई नहीं आएगा। तो चलो सो के उठते हैं फिर से एक बार। यहाँ पे गाइस देखो दिखा रहा हमारा कि हमारी इनकम कितनी हुई है, तो यार फिलहाल गाइस हमारी इनकम कुछ नहीं हो रही, क्योंकि यार हम लोग ना मंगाई रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हैं, अर्निंग तो कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो ऊपर चलते हैं फिर से और जाके जल्दी से ओपन करते हैं अपना गेमिंग कैफे। वैसे गाइस ओपन नहीं है पहले से, तो यहाँ से जल्दी से ब्रूम निकालते हैं पहले। देखो यार बूट के निशान छप रहे हैं बंदों के, यहाँ पे चारों ओर करते हैं साफ पहले जल्दी से। सुबह सुबह उठ के भाई झाड़ू पोछा करना पड़ता है पहले यहाँ पे, यहाँ पे भाई हट जा वरना तेरे पैर पे मार दूंगा पोछा, देख क्या रहा है। और रुको इसको शायद से ना गेमिंग पीसी चाहिए, तो जाते हैं पीसी के अंदर। और यहाँ पे गाइस ये हमें दे रहा है 2525 एन, ये एक घंटा यूज़ करेगा। तो और रुको यहाँ से कैसे, ओह अप्रूव हो गया, तो चलो जा रहा बेचारा, देखते हैं गाइस चलो ये क्या चलाएगा उसके अंदर जाके। चल भाई चल मैं भी तेरे पीछे आ रहा हूँ, चल दिखा मुझे क्या चलाएगा तू। और रुको मुझे देख रहा है, ओ भाई ये कैसे बैठ गया, ओ भाई चेयर घुमा ली इसने, ओ भाई साहब ये तो कोई FPS गेम खेल रहा है, मतलब ख़तरनाक कोई बैटल रॉयल खेल रहा है।
और गाइस जो ये गेम खेल रहा है ना, इसकी जो सिटी है देखो, जैसे हम लोग जिस सिटी के अंदर हम लोग हैं वही सेम सिटी के अंदर ये खेल रहे हैं। रुको, यहाँ पे देखो कस्टमर खड़े हुए हैं और यहाँ पे देखो एक बंदा आके फिर से आर्केड मशीन के अंदर गेम खेल रहा है। तो जल्दी से गाइस करते हैं इनका भी चेकआउट। चेकआउट करने में गाइस काफ़ी टाइम लग रहा है। इस भाई का भी करते हैं जल्दी से चेकआउट। चलो भाई, इस बंदे ने लिया है एक कॉमिक्स बुक। चल भाई तू भी। यहाँ पे गाइस हमारी कॉमिक्स बुक और जो हमारी गेमिंग सीडी है वही ज़्यादा बिक रही हैं। तो देखो फिर से भाई बंदे यहाँ पे खड़े हो गए लाइन में। चलो करते हैं इसका चेकआउट। इसने लिए शायद से कॉमिक्स बुक, इसने लिए एक गेम की सीडी, दो लिए गेम की सीडी। चलो भाई इसका भी करते हैं चेकआउट। एक रह गया, इसका भी करते हैं चेकआउट। चलो भाई हमारे पास हो गया गाइस 50,000 एन के नियर अबाउट। रुको बंदा आ रहा है। अच्छा ये तो गाइस पीसी गेमिंग वाला बंदा है। अच्छा उसने यूज़ कर लिया और चला गया। और यहाँ पे देखो एक बंदा और आ गया गेम पीसी यूज़ करने। तो चलो इसको देते हैं। ये बंदा गाइस हमें देने वाला 2525 एन। वैसे रुको यार, प्राइस कहाँ से बढ़ेगा? देखना पड़ेगा प्राइस कैसे, यहाँ से बढ़ेगा क्या? प्राइस इसके अंदर बढ़ेगा शायद से, कंप्यूटर के अंदर। ये तो काउंटर है हमारा। लड़की ने लिए गाइस एक गेम की सीडी। आजा तू भी। इसने भी लिए एक गेम की सीडी। और रुको, मैंने चेकआउट नहीं किया। अगर गाइस मैं यहाँ से स्कैन नहीं करूँगा तो क्या होगा? रुको देखने दो, इसकी एंट्री जैसे कि कंप्यूटर के अंदर हुई नहीं। तो एक ही करता हूँ और एक देखता हूँ क्या होगा। ओ भाई एक फ्री का ले गया। अबे शिट यार, एक फ्री का ही ले गया। तो अगर हम स्कैन नहीं करेंगे तो गाइस जनता ना फ्री का सामान ले जाएगी यहाँ से। और रुको एक लड़की और आई है, तो चलो जल्दी से इसको देते हैं। पर रुको यार गाइस, यहाँ पे देखो ऑक्यूपाई हो रखा ऑलरेडी, क्योंकि बंदा आया हुआ है वहाँ पे, देखो गेम खेल रहा है। ये तो मुझे लग रहा है कोई टैंक वैंक वाली गेम खेल रहा है भाई, आग उगल रहा है टैंक उसका। तो यार काफ़ी मस्त मस्त गेम है। आई होप गाइस कि हम लोग गेम के अंदर गेम खेल पाते, बट फिलहाल गेम के अंदर गेम शायद से खेल नहीं सकते। करते हैं इनका चेकआउट। और वो बंदा गाइस जा रहा है, तो वहाँ पे लड़की खड़ी थी वो चली गई क्या? रुको वो खड़ी हुई है, तो इसको जल्दी से दे देते हैं, उसको देते हैं। और जल्दी से जाते हैं फिर से काउंटर टेबल पर और जल्दी से गाइस चेकआउट करते हैं इनका। स्कैन कर दिया ना मैंने इसका? हाँ स्कैन कर दिया। इस बंदे ने खरीदी है गाइस गेम, इस बंदे ने खरीदी है कॉमिक्स। आजा भाई शक्ल दिखा जा, ये लड़की है कि लड़का है? लड़की की तरह लग रहा है। तो चलो इसका भी करते हैं चेकआउट। और रुक भाई, ये चोर लग रहा है मुझे, क्योंकि गाइस देखो यार बंदे ना बाद में देख रहे हैं, ताकि मैं एकदम से ना बेल्ट के ऊपर से स्लाइड कर दूँ और पैसे इनको पे ना करने पड़े। तो बंदे यहाँ के गाइस बहुत ज़्यादा चलाके हैं यहाँ पे। और भाई है नहीं यार, चला जा। चलो रिजेक्ट करते हैं यहाँ से। चल भाई बाद में आ जाना, एक घंटे बाद आना, वो एक घंटे बाद जाएगी। रुको ये देखते हैं गाइस कौन सी गेम खेल रही है। अच्छा ये तो वही पहले वाली गेम खेल रही है, मल्टीप्लेयर वाली, मल्टीप्लेयर वाली नहीं, एफपीएस वाली। तो यहाँ से जाते हैं फिर से काउंटर टेबल पे और इसने लिए कॉमिक्स बुक। इसने ओ दो लिए हैं भाई, बंदे यहाँ के बहुत चलाक हैं। देखो जैसे मैं यहाँ पर स्कैन कर रहा हूँ ना, ये देखो जैसे मैं बेल्ट को चला रहा हूँ, ये ना अपनी दूसरी भी चीज़ रख दे रहे हैं यहाँ पर, ताकि एकदम से ना वो स्कैन हो जाए और फ्री की ले जाएँ। बट ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। हमारे पास गाइस हो चुके हैं 74,905 येन। इसका भी करते हैं जल्दी से चेकआउट। दिखा भाई अपनी शक्ल, तो फिर से आ गया। चलो इसका भी होगा चेकआउट। और यहाँ पे भाई कुछ तो बंदा बोल रहा है बाहर जो जा रहा है। अबे क्या बोल रहा था, कुछ समझ नहीं आया मुझे। और यहाँ पे गाइस ये लोग कह रहे हैं कि रेंट करो पीसी को 10 जनों को, तब जाके ये टास्क कम्प्लीट होगा हमारा। तो जाते हैं फिर से पीसी के अंदर। और यहाँ पे गाइस ये लड़की भी लेने आई है एक घंटे के लिए। वैसे यार यहाँ का रेंट वेंट कैसे बढ़ेगा, मतलब पैसे वैसे कहाँ से बढ़ेंगे? पैसे मुझे थोड़े बढ़ाने हैं इसके अंदर से, बढ़ेंगे शायद से। इसके अंदर होम अपग्रेड स्टोर गेमिंग कैफेटेरिया डेकोरेशन, डेकोरेशन के अंदर देखो यार लाइटें वाइटें हैं जो कि गाइस हम यहाँ पे ले आके लगा सकते हैं। और पोस्टर है इसके अंदर, तो पोस्टर लगा दे क्या एक दो मंगा के? चलो पोस्टर मंगाते हैं, एक दो दो पोस्टर मंगाते हैं। यहाँ से करते हैं बाय, 2000 लग रहे हैं हमारे। अच्छी बात गाइस ये है कि इसके अंदर ना पैसे डिलीवरी के चार्जेस नहीं लग रहे हमारे। और इसके अंदर वॉल पैनल हैं काफ़ी अच्छे अच्छे। रुको यार ये वाला मंगाता हूँ भाई, ये लगाता हूँ इसके अंदर, ये गेमिंग वाले रूम के अंदर लगा दूंगा। इसको मंगा लेता हूँ। प्लांट इसके अंदर काफ़ी सारे प्लांट, 1500 1500। तो गाइस यार इनको ना बाद में मंगाऊंगा कि मंगा लूँ, चलो एक प्लांट ही मंगा लेता हूँ। वैसे यार एक साथ मंगा लेता तो अच्छा रहता। अब बंदे, अब देखो ट्रक ना अलग अलग आ रहे हैं, एक एक चीज़ पैसे लेके आ रहे हैं। ये लड़की गाइस पहले ना कॉमिक्स बुक ले रही थी यहाँ पे खड़े होकर, बाद में इसका मूड बदल गया और जाके गाइस आर्केड गेम खेलने लगी। यहाँ पे यार बहुत सारी आर्केड मशीनें लगाऊंगा और बहुत सारे गाइस मैं ना पीसी वीसी यहाँ पे लगा दूंगा। और रुको ये लड़की जा रही है, तो देखो एक लड़की और खड़ी है, इसको दे देते हैं। इसको जाते हैं जल्दी से पीसी के अंदर। और ये लड़की भी गाइस एक घंटे के लिए यूज़ करने वाली है, तो इसने दिया 2525 येन। तो आने देते हैं उन ट्रक को और यहाँ से जल्दी से करते हैं चेकआउट इनका। इसने लिया कॉमिक्स बुक और रुको एक गेम भी लिया है। आ जाओ अगला जाओ। जितना ज़्यादा गाइस ये लोग लेके जा रहे हैं ना उतना अच्छा हमारे लिए, क्योंकि हमारी अर्निंग हो रही है काफ़ी। इसका भी करते हैं चेकआउट। दिखा शक्ल भाई, ये बंदा बार बार ये आ जा रहा है। इसका भी करते हैं चेकआउट। चलो जो हमारा ट्रक है देखो नीचे आने वाला है, तो भाग के चलते नीचे और जल्दी से गाइस जाके ट्रक पे। और रुको इस लड़की ने यार कॉमिक्स बुक भी ली थी और आर्केड गेम भी खेली है भाई, पैसे नहीं दिए इसने। यहाँ से खोलते हैं जल्दी से गैराज का गेट और जल्दी से गाइस। और रुको पहले तो ये उठाते हैं, ये है क्या? इसके अंदर क्या मंगाया था मैंने?
नहीं गाइस पहले हमें इसको उठाना पड़ेगा। तो यहाँ के बंदे गाइस काफी डिसिप्लिन में रहते हैं। और यहाँ पे देखो गाइस बाहर शायद से हमारा तीसरा ट्रक भी आ चुका है, तो इसको भी जल्दी से उठा के रखते हैं अंदर। इसके अंदर गमला है, स्टोर करते हैं और चलते हैं जल्दी से बाहर और जाके गाइस देखते हैं कि बाहर क्या करना है। अबे यार बाहर रुको, मैंने कुछ तो मंगाया था ना, मैंने गाइस तो मंगाया था पोस्टर। तो पोस्टर जाते हैं इन्वेंट्री के अंदर और इन्वेंट्री में कैफेटेरिया डेकोरेशन, ये रहा गाइस ये गेमिंग वाला कंसोल। तो इसको कहाँ लगाऊँ, इसको लगाते हैं सामने, लगाऊँ यहाँ पे लगा देता हूँ, चलो बीच में एकदम करके। ओ भाई ये तो जल रहा है, अब यार इसको मुझे यहाँ पे लगाना है बीच में, चलो सही है यार यहाँ पे भी। और क्या मंगाया था मैंने, गमला मंगाया था, गमले को रखते हैं, चलो देखते हैं कहाँ रखूँ। इसको रखता हूँ गाइस यहाँ पे बाहर की साइड, वैसे इसको ऊपर यहाँ पे नहीं गाइस नहीं रख सकते, चलो यहाँ पे रखूँ क्या, चलो यहाँ पे रखता हूँ ताकि बंदे थोड़ा खुश हो जाएँ। यहाँ पे रख देते हैं एक बार के लिए इसको, बाद में गाइस इसको मैं मूव कर लूँगा, एकदम दीवार के साथ चिपका के रखती हैं। और जल्दी से गाइस यहाँ पे देखो फिर से बंदे खड़े हुए हैं, चेकआउट करते हैं इनका, इसका करते हैं स्कैन, इसका भी करते हैं स्कैन, इसने गाइस लिया कॉमिक्स, चलो भाई चेकआउट का काम अपना कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे गाइस बंदा जो पहले पीसी के अंदर गेम खेल रहा था वो जा चुका है, तो हम जाते हैं फिर से पीसी के अंदर और जल्दी से इस लड़के को देते हैं पीसी। रुको यार गाइस मैं सोच रहा हूँ कि हमारे पास 1,02,000 एन पड़े हैं, तो मैं ना एक और पीसी मंगा लेता हूँ, क्योंकि यार देखो यहाँ पे बंदे गाइस खड़े हुए हैं, पर कहीं ऐसा ना हो बाद में कि इनको अनलॉक करना हो। तो चलो यार मैं मंगाऊंगा नहीं भाई, बाद में मंगाऊंगा, जैसे जैसे गाइस ये लोग सिखा रहे हैं ना वैसे वैसे खेलूंगा, क्योंकि पैसे खत्म हो जाएंगे फिर गाइस यार टास्क ना हो नहीं पाएगा। तो चलो गाइस यार आज के इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि यार वीडियो ना गाइस बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर गाइस यार इस गेम के हम लोग आगे के टास्क करेंगे और अपने गाइस इस कैफे को ना और बड़ा करेंगे और आलिशान बनाएंगे। तो गाइस यार अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये गेम अच्छी लगी हो तो वीडियो को ना लाइक कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ना सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यार इस चैनल पर ना बहुत सारी गेम प्ले वीडियोस आने वाली हैं। तो चलो गाइस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।